भारत बंद है। भारत क्यों बंद है? क्योंकि बंद रास्ते खोलने हैं। जी हाँ, बंद सिर्फ बंद के लिए नहीं होता। बंद की नौबत तभी आती है जब अपनी बात कहने या उसके समाधान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस बार बंद की नौबत क्यों आई? बहुत हुई महंगाई की मार। बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का वार, बहुत हुआ। और शायद इसी वजह से बंद की नौबत आई। बस इस बार पार्टी बदल गई, नेता बदल गए। इस बार सड़क पर साइकिल चलाते बीजेपी के नेता नहीं है, थाली बर्तन गैस सिलेंडर लेकर सुषमा स्वराज स्मृति ईरानी नहीं है, लेकिन हाँ, चेहरे बदले हैं लेकिन नारे वही हैं, मुश्किल वही है। हालांकि मीडिया का रोल भी कुछ बदला है। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया, आज उसकी चिंता के केंद्र में महंगाई और पेट्रोल डीजल से ज्यादा हिंसा की घटनाएं हैं। हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं किसी भी आंदोलन को धक्का पहुंचाती हैं, लेकिन आज का सच सिर्फ हिंसा नहीं है। आज का सच है महंगाई का विरोध। महंगाई के विरोध में विपक्षी दलों का सड़कों पर आना, और एक दो दल नहीं, 20 से ज्यादा, राइट को छोड़कर सेंटर से लेकर लेफ्ट तक हर दल के बड़े नेता सड़क पर हैं। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक, कर्नाटक से लेकर उड़ीसा तक। और इनकी चिंता के केंद्र में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, जो भी 5 दिन पहले दिल्ली में ही जमा हुए थे अपनी उपज का दाम मांगते हुए, न्यूनतम मजदूरी हमारा हक है का नारा लगाते हुए। इस बंद के केंद्र में महंगाई के साथ रोजगार भी है, जो आज सिर्फ पकौड़े तलने और नाले की गैस से चाय बनाने के अलावा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बंद यही बता रहा है कि जनता को नारों और वादों से आगे वास्तविक राहत चाहिए, क्योंकि वाकई में बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का वार।